देखिए 2.4 क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं, तब तक आप जरा स्क्रीन पे देखिए, आपके आपकी स्क्रीन पे नहीं, मतलब स्क्रीन पे तो कहने की आदत है, कॉपी किताब देखिए। लिखा है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एंड एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखिए पहले तो गिवन की हम बात कर लेते हैं कि आखिर भाई गिवन क्या यहाँ पर है, एक नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का रेडियस दिया, चलिए अब एक बात देख लीजिए, अच्छा 12 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है और इसका जो चार्ज है वो क्यू दिया गया है, वो दिया गया है आपका 1.6 × 10⁻⁷ कूलम और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जरा एक बात ध्यान से समझिएगा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक सेंटेंस में एक चीज देखी है कि द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। ये अगर नहीं भी कहते तो अगर हमने बताया था अगर कंडक्टर है तो चार्ज अल्टीमेटली उसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले तो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप इसके पहला पार्ट कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालिए, ऑन द सरफेस निकालिए, ऑन द सरफेस इनसाइड, पहला पार्ट क्या है इनसाइड, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड स्फीयर। तो हम जानते हैं कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। क्यों भाई, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक अंदर चार्ज होता नहीं। अगर यह कंडक्टर ना होकर के नॉन कंडक्टर होता तो नॉन कंडक्टर के जो चार्जेस होते हैं वो ठूंस ठूंस के उसमें भरे होते हैं पूरे उसमें, ठीक है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड होता। ऑन द सरफेस जब निकालेंगे आप, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 πε0 क्यू अपान, नहीं आप के ना लिखिए, पूरा लिखा करिए, के लिख देते हैं ठीक है, लेकिन ये लिखिए पूरा, इसकी वैल्यू क्या लिख होती है 9 × और इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन भी निकाल लीजिएगा, ध्यान रखिएगा अभी नहीं, ठीक है। और क्यू दिया है आपका 1.6 × 10⁻⁷ और आर स्क्वायर हो जाएगा 0.12 का होल स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट किया हमने तो ये वैल्यू आई है 10⁵, 10⁵ आई है, क्या किलोग्राम, न्यूटन पर कूलम। देखिए अभी हमने बताया कि भाई जो चार्ज आप ले रहे हो, आप कह रहे हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ठीक है, लेकिन चार्ज माना कहाँ जाता है, मतलब वो भले ही आपने स्फीयर लिया है और स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आउटर सरफेस में, लेकिन माना जो जाता है वो सेंटर माना जाता है। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स होती हैं लगता है सेंटर से निकल रही हैं, ठीक है, ये यहाँ पर चार्ज माना जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, लिख भी दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहते हैं इससे एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो यहाँ निकाल लीजिएगा, सेकेंड पार्ट दिखाई दिया, थर्ड पार्ट देखिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 πε0 q/x². तो ये 9 × 10⁹, क्यू कितना हो गया 1.6 × 10⁻², और ये x कितना है 18 सेंटीमीटर, 0.18 होल स्क्वायर, ये -7 है। तो जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 4.44 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देखो ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ये किताब से हमने नोट कर दिया, ठीक है, चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2.4 है।